आज हम लोग इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात ज्ञात करेंगे, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश उत्पन्न होता है, जो ई उत्पन्न इलेक्ट्रॉन ई पर जो निगेटिव चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, वो कहाँ से किस तरह उत्पन्न होता है आज हम उसका और उसका अनुपात क्या है ये देखेंगे। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैथोड युक्त एक नली लेंगे। ठीक, कैथोड नलिका, ये क्या है, ये पूरी कैथोड नलिका है। ठीक, ये जो है ये कैथोड नलिका है, ये कैथोड नली हम बनाया गया है, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज में मैंने बताया था। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये कैथोड किरण है और ये एनोड किरण है, इन दोनों के बीच क्या किया जा रहा है, विद्युत का प्रवाह किया जा रहा है। तो यहाँ से क्या होता है कि जब इस कैथोड पर विद्युत पड़ती है, मतलब विद्युत का प्रवाह होता है, तो यहाँ से कीड़े निकलती हैं और यहाँ से कीड़े निकलकर जब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होता है, तो जैसे यहाँ से निगेटिव कीड़े इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब निकल रहा है तो वो जब विद्युत क्षेत्र, इसमें बोला गया है कि मतलब ये विद्युत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत रखा गया है। ठीक, एक दूसरे के लंबवत रखने पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन की कीड़े निकलती हैं वो किधर विचलित हो जाती हैं, कुछ विद्युत क्षेत्र की ओर विचलित हो जाता है और कीड़े चुंबकीय क्षेत्र की ओर विचलित हो जाती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका खोज किसने किया और ये किसने मॉडल तैयार किया। तो सन 1897 में जे जे थॉम्सन ने कैथोड किरण नलिका का उपयोग कर विद्युत का इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात ज्ञात किया। इन्होंने क्या किया कि परख नली, ये जो विद्युत क्षेत्र जो विसर्जन नलिका है, इसमें क्या किया कि इसमें एक साइड मतलब लंबवत, एक दूसरे के लंबवत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का प्रवाह किया। तो उसने देखा कि इलेक्ट्रॉन के जो कण हैं किधर विचलित होते हैं। तो इसके विचलन के कुछ नियम हैं, जैसे बताया गया है, पहला नियम है कि अगर इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश का मान ज़्यादा है, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कीड़े निकल रही हैं, मान लेते हैं कैथोड किरण नलिका है, ठीक, ये कैथोड किरण है, क्या है, ये कैथोड किरण है और इस पर ये इससे जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत रखा है, तो एक साथ तो हम दोनों को नहीं रखेंगे, एक एक करके पहले विद्युत क्षेत्र रखेंगे फिर चुंबकीय क्षेत्र रखेंगे। जब इलेक्ट्रॉन पर जब विद्युत क्षेत्र इधर, विद्युत क्षेत्र का इधर, ये देखिए आगे हम अब समझते हैं कि ये मतलब ये किरणें जो हैं वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की ओर, विद्युत क्षेत्र की ओर क्यों विचलित हो जाती हैं। तो ये कैथोड किरण नलिका है, ये एक कैथोड किरण नलिका है, और ये आपका एनोड है। ठीक, ये कैथोड किरण है, या आप कह सकते हैं कि वो धातु की प्लेट है जिस पर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, कैथोड किरण है। और जब ये इस कैथोड प्लेट पर जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो यहाँ से कीड़े निकलकर एनोड की तरफ, और इधर लगा है आपका स्फूर्ति पदार्थ, एनोड की तरफ से होकर गुजरती हैं, और ये यहाँ कैथोड किरण है और कैथोड किरण से पता है आपको इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन को ही कैथोड किरण कहा जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं और इधर इनको क्या मिल गया है, विद्युत क्षेत्र, ये क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र है, ठीक, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकल रहे, तो इलेक्ट्रॉन पर आपको देखिए इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, जब इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है तो जो हम चुंबकीय क्षेत्र लगाए हैं उसके निगेटिव चार्ज है तो उसके प्लस की ओर आकर्षित हो जाएगा, मतलब उसके प्लस की ओर उसका विचलन हो जाएगा। ये जैसे
प्लस और माइनस आपस में दोनों आकर्षित करते हैं, प्लस और प्लस तो आपस में विस्कर्षित करते हैं, तो ये प्लस ये निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज उदासीन होने के लिए क्या जुड़ेगा, प्लस जुड़ेगा, तो किधर साइड जाके मुड़ेगा, विद्युत क्षेत्र के धन आयन की ओर, विद्युत क्षेत्र के प्लस चार्ज की ओर जाकर वो विचलित हो जाएगा। ये होता है आपका, जैसे हम इस पर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो इसी तरह जब हम इस पर चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र, तो जब हम चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र जब लगाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन की कीड़े निकलती हैं चुंबक के, अब तो यहाँ इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है तो ये विद्युत क्षेत्र के चुंबक की ओर आकर्षित हो गए। सेम इसी तरह जब हम चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो वो भी किधर आकर्षित होंगे, चुंबक के धन आयन की ओर। चुंबक में दो ध्रुव होता है, एन और यस, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव मतलब प्लस की ओर आकर्षित होंगे। तो इसका मतलब ये बताया गया है कि ये इलेक्ट्रॉन का जो विचलन है जब इस पर ऋण आवेश की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है इस पर ऋण आवेश की मात्रा अगर ज़्यादा हो गई तो किधर विचलित हो जाएगा वो प्लस, वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के साथ और अधिक अन्योन्य और ज़्यादा क्रिया बढ़ा देगा। जब उससे ज़्यादा क्रिया बढ़ा देता है तो इलेक्ट्रॉन का विचलन विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की ओर ज़्यादा बढ़ जाता है। ये इसका पहला शर्त है। दूसरा है कि जब कण हल्का होता है, जब कण, आपको बस समझना है, बाकी आपके बुक में पॉइंट टू पॉइंट दे दिया गया है, मैं बस उस पॉइंट को समझा रही हूँ पिक्चर फिगर से। ये आगे बोला है कि जब कण हल्का होता है, ठीक, जब ये इलेक्ट्रॉन के जो कण निकल रहे हैं जब ये हल्के होंगे, तो जब ये हल्के होंगे तो वो और अधिक दूर जाएंगे, जैसे आप भारी पत्थर मारेंगे तो पास में गिरेगा, हल्का पत्थर लेंगे तो दूर जाके गिरेगा। सेम वही सिचुएशन यहाँ भी होता है, जब कण हल्का होता है, जब इलेक्ट्रॉन के कण हल्के होते हैं तो और ज़्यादा दूर तक विचलित हो जाते हैं। और थर्ड शर्त है इसका, मतलब तीसरा नियम है कि जब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र और अधिक प्रबल हो जाए, मतलब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, ज़्यादा प्रबल हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किधर विचलित होंगे, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की ओर ज़्यादा विचलित होंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन, ये जब यहाँ विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र और ज़्यादा प्रबल के, इसकी जो वोल्ट है, इसकी जो तीव्रता है और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन के कण हैं इनका विचलन और ज़्यादा हो जाता है। इसके इस तरह की इसकी शर्तें हैं कि मतलब आवेश का द्रव्यमान नियम ज्ञात कैसे करेंगे और इसकी विचलन की जो स्थिति है, जो इलेक्ट्रॉन के जो गति है वो किस तरह विचलित होता है, किस किस नियम पर किस किस शर्तों पर विचलित होता है। तो पहला ये था कि जब कण हल्का होता है, जब कण में ऋण आयन की मात्रा ज़्यादा होती है तो क्या करता है, चुंबकीय और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या करता है, अन्योन्य क्रिया और बढ़ा ले, मतलब उसके बीच की जो क्रिया है और ज़्यादा तेज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आयन होता है, जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन होता है तो उदासीन होने के लिए क्या ढूंढता है, प्लस चार्ज ढूंढता है, जब उदासीन होने के लिए प्लस चार्ज ढूंढता है तो जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का जो प्लस चार्ज है उधर ज़्यादा विचलित हो जाता है। ठीक, सेकेंड है कि जब कण हल्का होता है, जब कण हल्का होता है तो ज़्यादा दूर तक विचलित होगा, ज़्यादा दूर गति करेगा। ठीक, और चौथा है जब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा दिया जाए, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जैसे यह है विद्युत क्षेत्र, जब इस विद्युत क्षेत्र को और ज़्यादा, इसकी तीव्रता जो इसकी प्रबलता है, इसको ज़्यादा वोल्टेज दिया जाए तो ये क्या करेगा, ज़्यादा ये प्लस चार्ज है, जब ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जब अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इसकी क्या होती है, विचलन की गति और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, अब इसका निकालेंगे, टॉपिक लिख दे रहे हैं, यह है इसकी शर्तें जो मैंने पहले बता दी है, उसको मैंने एक बार लिख दिया है। जब कण परिणायन ज़्यादा होता है तो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के अन्योन्य क्रिया प्रबल हो जाती है जिससे विचलन अधिक हो जाता है। ठीक, जैसे इस पर इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं
क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। जैसे ही सर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है तो ये चुंबक विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के धनायन की ओर विचलित हो जाता है, यह है। और जब कण हल्का होता है तो इलेक्ट्रॉन का विचलन अधिक हो जाता है। जब कण हल्का होता है, जब कण जैसे बताए थे अभी भारी पत्थर दूर नहीं जाएगा लेकिन आप हल्का पत्थर को दूर तक फेंक सकते हैं, तो इसी प्रकार जब कण हल्का होता है तो उसकी विचलन की गति तेज होती है। और फिर बोला है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता से विचलन अधिक, जैसे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा प्रबल होगा तो वहाँ विचलन की गति ज़्यादा होगी। और एक लास्ट है कि जब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को सावधानीपूर्वक संतुलित कर दिया जाता है, जैसे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को दोनों को लंबवत एक दूसरे के रखे होते हैं, जब एक दूसरे की लंबवत रहते उसे हम अब तो वो दोनों चार्ज है उस पर विद्युत और चार्ज और चुंबकीय चार्ज दोनों को हम क्या करेंगे सावधानीपूर्वक उसको जब संतुलित करते हैं तो जो फिर से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने ही पथ पर बी से टकराते हैं या बी पर वापस आ जाते हैं। ये होता है विद्युत और फिर किसी एक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के विचलन। अब तो इसमें दो क्षेत्र में गया, एक तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, तो जब किसी एक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के विचलन की सही मात्रा को, इलेक्ट्रॉन कितना विचलित गया, कितनी मात्रा में गया इलेक्ट्रॉन मतलब विद्युत क्षेत्र में कितना गया, चुंबकीय क्षेत्र में कितना गया, दोनों में किसी एक को आप सही माप लेंगे, सही मात्रा को किसी एक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के विचलन की सही मात्रा को, किसी एक क्षेत्र में जैसे विद्युत क्षेत्र ले लेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन विचलित हुए हैं सही मात्रा को माप कर उसके इसका द्रव्य आवेश और द्रव्यमान का अनुपात निर्धारित किया जा सकता है। इसका द्रव्यमान और आवेश और द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, E/ME। एम ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान और ई क्या है उसका आवेश है, तो इसका मान कितना निकला 1.75 × 10^11 कूलाम। सी का मतलब क्या होता है किलोग्राम प्रति किलोग्राम पाया गया। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। ठीक, आगे चलेंगे हम लोग, ये टॉपिक पूरा हो गया है, आगे याद करेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अभी तो हम लोग निकाले थे इलेक्ट्रॉन पर आवेश द्रव्यमान का अनुपात, हम निकालेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश पाया जाता है और उसका द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान और उसका इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान का अनुपात निकाले हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर आवेश है वो कितना है इसको हम निकालेंगे। अभी सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन पर आवेश को किसने निर्धारित किया था, मिल्कर ने। मिल्कर ने तेल बूंद द्वारा इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित ऋण आवेश का मान ज्ञात किया। ठीक, किसने किया, मिल्कर ने। आपको एग्जाम में आ सकता है कि तेल बिंदु को किसने दिया था, सर्वप्रथम किसने दिया था, तो मिल्कर ने तेल बूंद किस प्रयोग के लिए किया गया था, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेशों का पता लगाने के लिए, इलेक्ट्रॉनों पर कितने आवेश है उसका पता लगाने के लिए मिल्कर ने तेल बिंदु विधि का प्रयोग किया। इसके लिए हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, मिल्कर ने तेल बिंदु इलेक्ट्रॉन, इसके लिए हम एक पात्र बनाएंगे। ठीक, किस तरह ऋण आवेश का मान ज्ञात किया वो देखेंगे हम। सर्वप्रथम ये क्या करेंगे, विद्युत संघनित्र पात्र ले लेंगे। विद्युत संघनित्र पात्र मतलब होता है जिसमें विद्युत का इस पूरे पात्र में क्या है, विद्युत का प्रवाह किया गया है। ठीक, इसमें सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम दो प्लेट लेंगे, एक तो हम परखनली ऐसे पात्र बना लेंगे। ठीक, कोई किसी तरह आप पात्र बना सकते हैं इस तरह, उसमें हम दो आवेशित प्लेट रख दिए हैं। ठीक, आवेशित प्लेट, एक प्लस आवेशित प्लेट, एक माइनस आवेशित प्लेट, दो प्लेट तो दोनों होना चाहिए। ठीक, प्लस और माइनस दोनों रहेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन का आवागमन होगा, विचलन होगा। तो ये दो आवेशित प्लेट ले लिए हैं। ठीक, और इस आवेशित प्लेट पर हम क्या कर रहे हैं, कि कणित्र द्वारा भाप तेल की बूंदों को भाप के रूप में आवेशित प्लेट पर डालते हैं। ठीक,
ये जो ये इसमें इसके अंदर तेल भरा है, इसके अंदर तेल भरा है, तो ये इस कड़ित ये कड़ित्र क्या करता है कि ये इस तेल को किस रूप में आकर्षित करता है, भाप के रूप में, वाष्प के रूप में, भाप के रूप में आप कह सकते हैं। तो इस तेल की बूंदों को किस रूप में ऑब्जर्व करता है, अपने तरफ किस रूप में आकर्षित किस शोषित करता है, तो ये भाप के रूप में। और इस भाप को कड़ित्र ने ये जो आवेशित प्लेट है, ये जो अप्लस आवेशित प्लेट है, इसके ऊपर से डाला जाता है। और ये जो प्लस आवेशित प्लेट है, ये छिद्र युक्त है। कैसा है? छिद्र युक्त है। इसमें कहीं कहीं क्या बनाए गए हैं? छिद्र बनाए गए हैं। तो ये छिद्र युक्त प्लेट है। जब इस पर क्या पड़ता है कि तेल की बूंदें भाप के रूप में पड़ती हैं। जब तेल की बूंदें किस पे पड़ रही हैं? भाप के रूप में। कहाँ पड़ रही हैं? आवेशित प्लेट पर। कहाँ पड़ रही हैं? आवेशित प्लेट पर। तो ये आवेशित प्लेट पर जैसे ये पड़ा, तो उसको आवेशित प्लेट पर जब तेल की बूंद पड़ा तो कहाँ जाएगा? ये तो छिद्रदार है, तो छिद्र से होते हुए नीचे चला जाएगा। नीचे कहाँ चला जाएगा? इस यहाँ आ जाएगा। ठीक, ये जो दोनों प्लेट के बीच जो खाली जगह है उसमें आएगा। ठीक, उसमें ये प्लेट, ये जो तेल की बूंद है, ये तेल की बूंद क्या करेगा? ये प्लस आवेशित प्लेट पर गिरा रहा है, और ये जो तेल की बूंद है वो भी प्लस है। ठीक, उस पर भी प्लस आयन है। तो जब ये प्लस से प्लस क्या करता है? आपस में प्लस 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 और माइनस आपस में आकर्षित होते हैं, लेकिन प्लस और प्लस क्या करते हैं? आपस में दोनों दूर जाते हैं। तो ये जब प्लस प्लस वाली प्लेट पर आएगा तो इससे कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, उससे दूर भागने की कोशिश करेगा। जब इस प्लेट से छिद्र युक्त होकर नीचे गिरता है, जब इससे नीचे गिरता है, तो हम माइक्रोस्कोप माइक्रोमीटर या दूरबीन जिसको बोलते हैं, तो माइक्रोमीटर युक्त द्वारा हम इसको देखकर और इसकी बूंद की गति को हम क्या करेंगे? माइक्रोमीटर युक्त, इसमें क्योंकि इसमें मीटर भी लगा है और उसको उससे हमें देख भी सकता है। ये बहुत छोटे कण हैं, जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, तो इसे हमें किससे देखना पड़ेगा? माइक्रोमीटर युक्त दूरबीन से देखेंगे। ठीक, फिर इससे देखने पर कितने धीमी गति से वो नीचे गिर रहा है, इसको हम नाप लेंगे। ठीक, माइक्रोमीटर एक दूरबीन से माप सकते हैं, और उसके इलेक्ट्रॉन जो उस पर आवेश है वो भी हम निर्धारित कर लेंगे। फिर है, जब जैसे ये बूंद नीचे गिरता है, जैसे ही नीचे गिरेगा तो इसके क्या करेंगे कि इसके जो गैस के अणु हैं, इसको यक्ष किरण के पुंज द्वारा, यक्ष किरण पुंज मतलब होता है कैथोड किरण, कोई यक्ष किरण पुंज बोलते हैं। कैथोड किरण क्या करता है कि आयनित करता है। इसमें कैथोड किरण में आयनन का गुण पाया जाता है, मतलब उसमें चार्ज उत्पन्न कर देता है। क्या करता है? चार्ज उत्पन्न कर देता है। तो जैसे ही इसमें एक्स किरण डालेंगे, कैथोड किरण का प्रवेश होगा, तो ये जो प्लस ये जो गैसों के अणु हैं, ये जो गैस के अणु है, इसके मध्य में क्या उत्पन्न हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। क्या उत्पन्न होगा? निगेटिव चार्ज। जब क्योंकि एक्स किरण पुंज है तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जब इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसको क्या कर रहा है? इसको आयनित कर रहा है। तो यहाँ से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन निष्कासित होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा। ठीक, जब इसको आयनित कर रहा है, जब यहाँ से इसको आयनित करेगा तो यहाँ निष्कासित करेगा, तो यहाँ तो प्लस होगा भाई। गैस के अणु में अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज भी तो होगा। तो इसके अंदर का जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके अंदर क्या उत्पन्न कर, आयनित कर दिया। जब ये आयनित कर दिया तो ये जो तेल की बूंद जा रही थी, उसकी तेल की बूंद की जो गति थी, उसको हम क्या करेंगे? उसको ये इलेक्ट्रॉन जो है उसको क्या करेगा? स्थिर कर देगा, उसकी गति को रोक देगा, इसकी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है और इस पर ये तेल की बूंद को पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? अपनी ओर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज, जो तेल की बूंद है पॉजिटिव चार्ज है, उस पर इलेक्ट्रॉन अपनी ओर उसको आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। खींचने से क्या हो जाएगा? वो जो तेल की बूंद नीचे जा रही थी वो क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाती है, स्थिर हो जाएगी, या उसको नीचे गिरने से रोक सकते हैं। इस प्रकार तेल की बूंद कितनी देर तक, कितना आवेश उस पर उत्पन्न हुआ, कितनी देर तक वो नीचे प्लेट पर गिरी,
जब ये जब तेल की बूंद नीचे गिरी, तो जब तेल की बूंद नीचे गिरी तो इस पर क्या हो गया, इस पर क्या है, ये विद्युत क्षेत्र प्रबल है, एक्स किरण जा रहा है, एक्स किरण ये तो पूरा विद्युत संघनित है, पूरा मतलब इस पर क्या है, विद्युत का आवेश है। तो इस पर यहाँ से जब एक्स किरण जा रही हैं तो ये क्या करता है, इसको आयनित कर देता है और उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो तेल की बूंद है उसको क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा या उसे उसे स्थिर कर देगा, उसे नीचे गिरने से उसको क्या करेगा, रोक देगा। इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता, इस इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को सावधान प्रबलता को ध्यान में रखकर, मतलब कहाँ पर कितना विद्युत क्षेत्र है उसको प्रबलता को ध्यान में रखकर इस तेल की बूंद को नाप कर हम उसके आवेश का पता लगा सकते हैं। क्यू का मान विद्युत आवेश E का गुणज या गुणक गुणज होता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, यानी जहां N बराबर कोई भी नंबर हो जाएगा, ये हो गया विद्युत आवेश Q का। जब ऐसे तेल की बूंद यहाँ से नीचे गिरती है, तो जब इसे तेल की बूंद को नीचे गिरती है तो विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को सावधानी पूर्वक ध्यान में रखकर उस तेल की बूंद की गति को क्या करेंगे, माप कर उसे यह निष्कर्ष निकाला, जब उसको मापे तो इसे निष्कर्ष निकाला कि जो विद्युत आवेश Q का मान हमेशा विद्युत आवेश Q का मान विद्युत आवेश E का गुणांक होता है। अर्थात Q बराबर क्या होता है, यानी जहां N बराबर कोई भी नंबर ले सकते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रॉनों पर आवेश किस तरह ज्ञात किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है बहुत कम होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ Qne का मतलब होता है जैसे एक साथ एक दो तीन कई इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से कई भी इलेक्ट्रॉन और निकल सकते हैं, तो ये क्या हो गया, जी दो इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q2 × E का मान रख देंगे, E का मान जो भी आएगा तो Q बराबर ये हो जाएगा, इस तरह निकाल लेंगे। फिर इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश है 1.6 × 10⁻¹⁹ और 9.1 × 10⁻²⁴ ग्राम होता है, × 10⁻¹⁸ ग्राम होता है। अगला टॉपिक है प्रोटॉन की खोज। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रॉन का खोज देख लिए, इलेक्ट्रॉन का गुण देख लिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश और द्रव्यमान का अनुपात देख लिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है वो देख लिए, अब देखेंगे प्रोटॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज का तो पता चल गया है, अब देखेंगे प्रोटॉन की खोज। ठीक, क्या देखेंगे, प्रोटॉन की खोज किस तरह हुई, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज तो कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज जब उस पर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक, खोज सबसे पहले तो देखेंगे परमाणु के तीन मूल कण हैं कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो हम लोग देख लिए, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन परमाणु का मूल कण है। ठीक, उसी तरह प्रोटॉन भी तो परमाणु का मूल कण है, तो हम लोग पहले पढ़ ही लिए हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन परमाणु के मूल कण हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो परमाणु क्या है, निगेटिव चार्ज है। जब परमाणु पर निगेटिव चार्ज है तो उससे क्या होता है, परमाणु पर निगेटिव चार्ज है या कह सकते हैं कि परमाणु उदासीन है। परमाणु क्या है, उदासीन है, तो जब परमाणु उदासीन है तो उसको परमाणु मान लेते हैं, ये परमाणु है, इस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षों में क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये परमाणु, ये टोटल क्या है, परमाणु है। ठीक, इससे परमाणु में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उसकी बाहरी कक्षाओं में रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसके नाभिक में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उसकी बाहरी कक्षाओं में, और उसमें क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। तो हमें प्रोटॉन की खोज करना है किस तरह हुई। तो परमाणु क्या है, परमाणु विद्युत उदासीन है। परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। इस पर परमाणु पर कोई विद्युत का आवेश नहीं होता है। तो कोई परमाणु पर जब कोई विद्युत का आवेश नहीं होता है तो इस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिव चार्ज है, तो विद्युत को उदासीन बनाने के लिए उस पर पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। उसी पॉजिटिव कण को, जैसे इस पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, पता है मुझे कि परमाणु क्या है, विद्युत उदासीन है, उस पर विद्युत का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इस पर जो इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज है, तो उस निगेटिव चार्ज को उदास, परमाणु है, परमाणु पर जब निगेटिव चार्ज है तो उस पर उदासीन करने के लिए मुझे पॉजिटिव चार्ज की जरूरत है। उसी पॉजिटिव चार्ज या उसी धन कीड़ा, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है धन आवेश होना। तो उसी धन, और जो जब धन आवेश होगा तो धन कीड़े होंगी, उसी धन कीड़ों को क्या कहा गया है, प्रोटॉन कहा गया है। ठीक, अब हम देखेंगे प्रोटॉन की खोज किस तरह हुई। सन 1886 में, किस सन में, सन 1886 में, सन 1886 में गोल्डस्टीन, किसने, गोल्डस्टीन ने, सन 1886 में गोल्डस्टीन ने क्या किया कि एक विसर्जन नल का लिया। ठीक, अब हम जैसे बनाए थे वैसे बना लेंगे। ये है, ठीक, यह कैथोड, प्रोटॉन की खोज किस तरह हुई। तो ये एक कैथोड किरण है, ये एक नली है जिस पर कैथोड और एनोड बनाया गया है। ये कैथोड किस तरह छिद्रयुक्त कैथोड है, किस तरह है छिद्र, और इसके अंदर जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे, सेम वैसे ही प्रोटॉन की भी खोज को देख लेंगे। ये जो विसर्जन नलिका है, इसमें हम क्या कर लेंगे, निर्वात पंप लगा दिया है। निर्वात पंप, निर्वात, इसके अंदर जो दाब है, जो उसको बाहर निकाल, एब्जॉर्ब करके उसको बाहर निकाल दिया गया। और इस पर जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो इससे क्या निकलती हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जैसे इस पर इन्हें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो यहाँ क्या है, वायु के कण है। ठीक, जैसे इस पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन से यहाँ वायु के जो कण हैं, इस इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन वायु के कण को आयनित कर देता है। वायु को कण को आयनित कर देता है, मतलब यहाँ से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। वायु क्या है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ये धन आवेश हो जाएगा भाई। जब इस पर से इलेक्ट्रॉन निकला, तो उसको उदासीन करने के लिए प्लस चार्ज भी होगा। तो इस पर से ये क्या हो गया, धन आवेश हो गया। जैसे ही इस पर से इलेक्ट्रॉन निकले, तो इस पर से इधर से इस धन आवेशित प्लेट से क्या निकला, एक और कण निकली जो जस्ट उसके अपोजिट थी। जो ये इलेक्ट्रॉन के कण थे, इलेक्ट्रॉन के कण से वायु से क्रिया करके, मतलब वायु के कण को क्या कर दिया, आयनित कर दिया। जब वायु के कण को आयनित कर दिया, तो उससे जो ऋण आयन, वायु के कण से क्या निकला, आयन निकला, निगेटिव चार्ज। अब इससे जो पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या किया, जस्ट उसके विपरीत क्या किया, प्लस जस्ट उसके विपरीत, मतलब उल्टे साइड में क्या किया, प्लस किरणें निकाला। इससे क्या निकला, प्लस, ये प्लस वाली किरणें निकली। जब इधर से निगेटिव चार्ज निकला, तो इधर से पॉजिटिव चार्ज। जब इधर से प्लस वाली किरणें निकली, तो ये प्लस वाली किरणें का इन छेदों को, ये जो इसमें छिद्रयुक्त कण है, इन छेदों को पार करके कहाँ निकल गई, बाहर निकल गई। इन्हीं किरणों को क्या कहते हैं, कैथोड किरण, सॉरी एनोड किरण। इन्हीं इसी प्लस वाले किरणों को क्या कहा गया, एनोड किरणें कहा गया। ठीक, ये हो गया एनोड किरणें की खोज। एनोड किरणें की खोज किधर से हुई, ये
कैथोड किरण की खोज, तो इस पर दीप्ति पदार्थ कैथोड की किरण इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई? इलेक्ट्रॉन की जब किरण निकली तो एनोड से टकराती, एनोड पर गई, जब एनोड क्या था, एनोड पर प्लस चार्ज था, जब एनोड पर प्लस चार्ज था तो उससे जो इस पर दीप्ति पदार्थ थे उससे प्रकाश उत्पन्न हुआ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जैसे ही विद्युत धारा का प्रभाव हुआ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, जब इलेक्ट्रॉन में क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों में आयनन करने का गुण पाया जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो वायु भरा है उसको क्या कर दी, वायनित कर दी, आयनित करके उस पर निगेटिव चार्ज लगा दे। जैसे उस पर निगेटिव चार्ज लगाया तो उसके उल्टी साइड में, उसके विपरीत साइड में पॉजिटिव कीड़े निकले, इन्हीं पॉजिटिव कीड़ों को प्रोटॉन कहा गया। ठीक, इसकी जो प्रकृति है इलेक्ट्रॉन की प्रकृति से अलग है। ठीक, यहाँ ये जो प्रोटॉन की किरण निकली ये कैथोड किरण के छेदों के पार कर जाती है, मतलब ये प्लस किरण है तो इसके ये जो इन छेदों के आगे निकल जाती है, जैसे छिद्रयुक्त कण है तो इन छिद्रों को पार करके आगे निकल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं, एनोड प्रोटॉन, प्रोटॉन किरणें, क्या कहा गया, प्रोटॉन किरणें, प्रोटॉन किरणें अथवा धन आवेशित कण, धन आवेशित कर, जो धन आवेश से प्लस चार्ज से बनी होती हैं, या इसे कैनाल किरणें भी कहा जाता है। कैनाल किरणें क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये गुफा से ये जो छेद है इससे बाहर निकलती हैं, तो ये एक सकरी गली से निकल रही हैं, कैनाल से निकल रही हैं, तो इसे क्या कहते हैं, कैनाल किरणें कहा जाता है। ठीक, अब इसमें इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो गुण है प्रोटॉन में, प्रोटॉन की अपेक्षा अलग होता है, इलेक्ट्रॉनों में क्या है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है, लेकिन इसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से कोई मतलब ही नहीं है, इसमें क्या है, इसके जो गैस के अणु हैं वो आयनित होगा। प्रोटॉन किससे प्राप्त होता है, प्रोटॉन गैसों के अणुओं से प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं सबसे छोटा हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन क्या है, एक परमाणु है, हाइड्रोजन क्या है, एक परमाणु है। हाइड्रोजन परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है, एक प्रोटॉन, वन प्रोटॉन और वन न्यूट्रॉन पाया जाता है, सॉरी प्रोटॉन एक और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, अब जैसे ही प्रोटॉन निकल जाए इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का निष्कासित हो जाएगा, जैसे ही इस पर कीड़े पड़ेंगे तो ये बाहर चला जाएगा, तो जब ये बाहर चला जाएगा तो बचेगा क्या, प्रोटॉन। तो ये जो हाइड्रोजन है बहुत हल्का कण है, इसका द्रव्यमान भी बहुत कम होता है, इसी हल्के कण को क्या कहा गया है, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की संज्ञा दी है।